हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हमारे साथ में अचीवर्स अचीवर्स एंड अचीवर्स है ना। सो टीएलएफ टीटर्स के अचीवर्स आपके सामने बैठे हैं। अभी काफी सारी अचीवमेंट निकली है अभी अगस्त के महीने में, और अभी आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सितंबर में, आज अगस्त की क्लोजिंग डेट फॉरएवर ने 1 तारीख को बढ़ा दिया। हो सकता है आज शाम तक भी और भी अचीवमेंट हमारी टीम से निकले। और आज हमारे साथ में है 3 अचीवर्स, शिखा पांडे जो कि असिस्टेंट मैनेजर है, माया वर्मा जो सुपरवाइजर है जिन्होंने मात्र 29 दिनों के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, सुजाता शेट्टे जिन्होंने 27 दिनों के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, और भी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और भी अचीवमेंट। और हाँ, अगर आप मेरे लेवल की बात करें तो मैंने भी अभी रिसेंटली इन्हीं के साथ में, पूरी टीम के साथ में मैनेजर लेवल अचीव किया 2019 में। सो अब बात करते हैं एक एक जन से कि कैसे कैसे इनकी जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे खट्टे मीठे पल रहे, क्या उतार चढ़ाव रहे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहे। अगर आप किसी और नेट मार्केटिंग कंपनी का भी पार्ट है तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ से आपको अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे सीखनी है, कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को अपनी टीम को सिखा सकते हो, कैसे आप अपडेट कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है मिलती रहेंगी। तो आप माया से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन्होंने इतना जल्दी, अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया, जुलाई में स्टार्ट किया था, और अभी अगस्त के अंदर ही इन्होंने जो है अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। अभी इनको 42 डेज ही हुए हैं टीम में, और जुलाई में इन्होंने थोड़ा टीम को समझा, सिस्टम को समझा, और अगस्त महीने में फुल स्प्रिंट के साथ में जो है अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो आइए माया से जानते हैं। बाकी आप हम सब लोगों को जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे चैनल पर जो देख रहे हैं, सबके भी यूट्यूब चैनल है, तो सबके यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चैनल को जरूर, सबके चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को एक्सप्लोर करना, सबका एक यूनिक स्टाइल है, एक अलग अंदाज है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो माया थोड़ा सा अपना शेयर करिए जर्नी, थोड़ा सा ये अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से हो आप और प्रीवियस टीम में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने इधर टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में आए, आप इतना जल्दी कैसे लेवल अचीव का सोचा, कैसे किया, थोड़ा सा बताइए। थैंक यू मैम मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम माया है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और मैं पिछले 2.5 साल से ऑलरेडी फॉरएवर को कर रही हूँ, दूसरी टीम में कर रही थी और वहां पे मेरा ऑलरेडी सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया था। और उस लेवल को अचीव करने के लिए मुझे जो टाइम लगा, पौने 2 साल का टाइम लगा बहुत ही एफर्ट्स लगाने के बाद। और मैं वहां पे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वहां पे मुझे लोगों को डीएम करना पड़ रहा था, कॉलिंग्स करनी पड़ रही थी, इवन कई बार लीड्स को परचेस करने के लिए भी पैसा लगाना पड़ रहा था। तो फैमिली की तरफ से भी बोलने लगे कि आप पैसा कमाने के लिए गए हो या फिर पैसा लगाने के लिए गए हो। और उसके बाद डेली मुझे 200-300 लीड को डीएम करना होता था, जो भी 2-4 लीड आ जाती थी डे में तो उनको मुझे इवन कॉलिंग भी करना पड़ता था। जब मैं 30-40 कॉलिंग करने के बाद मुझे एक दो लीड हाँ बोलती थी कि हाँ मुझे आपके साथ काम करना है, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा सुपरवाइजर लेवल तो हो गया, बट वही फ्रस्ट्रेशन था कि कॉलिंग का, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली के बीच में मैं रहती हूँ तो कॉलिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही थी डेली कर पाना। तो उसके बाद मैं काफी सारी यूट्यूब पे ऊपर गई कि ऐसा था कि कुछ मुझे ऐसा सिस्टम मिल जाए जहां से मैं आराम से अपने बिजनेस को कर पाऊं, क्योंकि बिजनेस तो मुझे करना था। बट मैं एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम को सर्च कर रही थी, सर्च करते करते यूट्यूब पे गई तो शुभम सर का मुझे एक वीडियो दिखा जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि ऐसा क्या है ऑटोमेशन सिस्टम। तो जाके जब मैंने वीडियो को देखा, उसके बाद मैंने टीम को कनेक्ट किया शुभम सर के, और कनेक्ट करने के बाद जो मेरे सीनियर है उनके साथ कनेक्ट हुई, मैंने उनसे जाना कि आप लोग ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कैसे काम करते हो। उन्होंने मुझे बताया, जान के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि ना मुझे यहाँ पे किसी को डीएम करना है, ना ही मुझे कोई कॉलिंग करनी है, और ना ही मुझे यहाँ पे लीड्स में पैसा लगाना है, जिससे मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैंने एक चीज सोचा कि मैं एफर्ट्स तो वहां पे लगा ही रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, तो यहाँ पे मेरे अपलायंस से मैंने पूछा कि मुझे सुपरवाइजर करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे एक कैलकुलेशन पूरा बताया कि विद इन 1 मंथ के अंदर भी आप लेवल को अचीव कर सकती हो। सो मैंने मेरी हार्ड वर्किंग और ज्यादा बढ़ा दी, और इस अगस्त के मंथ में मेरा सुपरवाइजर लेवल भी मैंने क्वालिफाई कर लिया, और बहुत ही अच्छा लगा इस ऑटोमेशन सिस्टम के साथ ज्वाइन होके मुझे। बढ़िया बढ़िया। तो आपकी अपलाइन इधर ही है, शिखा पांडे। तो थोड़ा सा ये शेयर करिए कि शिखा पांडे जी के अंदर आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने टीएलएफ में इतने सारे लोग हैं, फिर आपने शिखा जी को ही क्यों ज्वाइन किया? शुभम सर को देखा, काफी सारे क्रिएटर्स को देखा,
शिखा जी के अंदर आपने ऐसी क्या यूनिक स्किल देखी कि आपकी वाइब मैच हुई और फिर आपने शिखा जी के साथ में कनेक्ट किया और फिर इतना जल्दी सुपरवाइजर लेवल प्लान करके सुपरवाइजर लेवल हिट किया? क्या देखा है शिखा जी के अंदर? मैम के अंदर मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे जो उनका गाइडेंस है टीम के लिए, और क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, एक ऐसी अपलाइन चाहिए थी जो कि मुझे एक हाथ पकड़ के आगे चलाए और सपोर्ट करे और हर तरह बोले कि आप कैसे कैसे अपनी चीजों को अचीव कर सकते हो। सो वो चीजें मुझे मैम की तरफ से देखने को मिली कि मैम ने मुझे पर्सनली हर एक चीज को गाइड किया, सपोर्ट किया और पूरा रोड मैप बना के दिया कि माया आप ऐसे ऐसे काम करो और आप इस लेवल को अचीव कर सकते हो। सो मुझे जो मैम की तरफ से मेरा दिल कहता था कि मुझे मेरी अपलाइन ऐसी होनी चाहिए, तो मैम मुझे उसी तरीके से मिले, तो जिसकी वजह से मैं आज जो भी कर पाई हूँ मैम के सपोर्ट की वजह से इस लेवल को अचीव कर पाई हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैम तो इसके माया, बारे में मैं भी थोड़ा सा हाँ बोलूंगी। हाँ मैं पूछने ही वाली थी, बताइए बताइए शिखा जी। जब मेरी माया से कनेक्टिविटी हुई, जब मेरी फर्स्ट टाइम माया से बात हुई, तो शी वॉज लाइक कि मुझे ना 4-5 दिन लगेंगे टीम को ज्वाइन करने में। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप आईडी बना लो और जब आपको लगे कि बिलिंग कर रही है तब आप बिलिंग कर लेना। और हमारी करीबन 1 से 1.5 घंटे बात हुई थी फोन पे, और फोन पे ही बात हुई इससे मेरी। 1 से 1.5 घंटे की बात में कह रही मैम चलो अभी बिलिंग करते हैं। तो मतलब 2-3 बजे बात हो रही है, शाम को 5-6 बजे इसने बिलिंग भी कर ली। ऐसा था, कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनसे फोन पे ना आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है फ्रेंड वाली, और एक ऐसी मिल बॉन्डिंग हो जाती है कि जिसको हम बहुत टाइम से जानते हैं। तो फिर उस जगह पे लगता है कि यार टीम इतनी अच्छी है, अगर एक ऐसे पर्सन से कनेक्टिविटी हो रही है जिससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना। तो ये चीज माया के साथ एक्चुअली में यही चीज हुई, तो मुझे याद है कि कैसे मतलब 4-5 दिन की, हाँ ठीक है टाइम ले लो, ज्वाइन कर लेना, बिलिंग कर लेना, बट मैम ठीक है फिर टाइम क्यों वेस्ट करना, करते हैं ना बिलिंग। मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो ये था, इस तरीके से इससे मेरी बॉन्डिंग हुई, और इससे और मैं चाहती भी कि ऐसे ही मेरे सारे टीममेट्स के साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग रहे, जो एक जो ट्रस्ट रहता है ना रिलेशनशिप का, जो हमारा बिजनेस है, ऐसी बिजनेस में रिलेशनशिप में ट्रस्ट रहना चाहिए। और काम करने के लिए आपके अंदर होगा कि मुझे करना है, तो पूरा रोड मैप मैं क्या, मेरी अपलाइन, उनके अपलाइन, पूरी टीम आपको सपोर्ट करती है। ये तो जहां पर एक प्रॉब्लम मार्केट में ये आती है ना कि मैम मेरे अपलाइन नहीं है, उनके अपलाइन भी नहीं है, उनके अपलाइन भी नहीं है, कि ऊपर के 5-6 जनरेशन तक अपलाइन है ही नहीं। यहाँ पर मैं ग्रेटफुल खुद को ये मानती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ऊपर के 5 जनरेशन तक के अपलाइन हेल्प करते हैं। तो ये मेरे साथ है, और यही पूरा गाइडेंस, यही सपोर्ट मैं अपने डाउनलाइंस को भी देना चाहती हूँ। तो ऐसे ही लोग आए टीम में जो एक प्योरली ट्रांसपेरेंट रह के बिजनेस में रहें और ट्रस्ट करके बिजनेस में आगे बढ़े। तो शिखा जी, ये बात तो आपने बहुत सही बोली कि ट्रांसपेरेंटली हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखो, जितना ट्रांसपेरेंट आप डाउनलाइन के साथ में रह रहे हो, इवन प्रोस्पेक्ट के साथ में, जितना आप ट्रांसपेरेंटली चीजें बताते हो, उतने ही चांसेस हो जाते हैं ज्वाइन करने के। और जो लोग स्टार्टिंग में आप ट्रांसपेरेंटली आप चीजों को शेयर कर रहे हो, अगर वो आपके साथ अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इन फ्यूचर में वो फिर आपको ज्वाइन डेफिनेटली करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में, जब वो डिसीजन लेने के टाइम पर, डिसीजन लेने के टाइम पर कि किसको ज्वाइन करें, उस टाइम पर मैंने उनको बहुत सारी चीजें गाइड करी, लेकिन उस टाइम उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। लेकिन आज वो फिर फेक मोटिवेशन का शिकार हुए, फिर चैलेंजेस फेस करने के बाद फिर से वो टीएलएफ क्रिएटर में आए हैं, इवन 1-2 साल स्ट्रगल करने के बाद भी। क्योंकि फॉरवर में जैसे एक बार आपने आईडी बना लिया, तो अपनी दूसरी आईडी आप रिस्पॉन्सरिंग करके ही ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत स्ट्रगल लोग फेस कर रहे हैं मार्केट में, वो सारी चीजें जो लीड पे लोग पैसा लगा रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें टीएलएफ क्रिएटर में एक तरीके से वो ऑब्स्टेकल खत्म कर दिए। जो अपलाइन ने इतना शानदार सिस्टम बनाया, तरुण सर ने जितना अच्छा सिस्टम बताया, जिस तरीके से शुभम सर रोड मैप शेयर करते हैं, सिस्टम इतना स्ट्रीमलाइन हो गया कि एक तो डाउनलाइन को सपोर्ट करना इजी हो गया, प्रोस्पेक्ट को नर्चर करना इजी हो गया, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसकी वजह से हम ट्रांसपेरेंटली इवन कर भी रहे हैं, और जो फॉरवर बोलती है वैसा बता भी पा रहे हैं लोगों। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, मैम ऐसे ही सिस्टम करना है। सिस्टम की टेस्टिमनी तो मुझसे अच्छा लोग क्या ही देंगे कि मैंने जॉब छोड़ दी सिस्टम को देखते हुए। सिस्टम हाँ, ने ये बात देखा तो कि है। सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए तो मैंने जॉब छोड़ के आगे डिसीजन लिया कि नहीं काम करना है, और देखो रिजल्ट भी मिल रहा है उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, आपने जॉब क्विट किया, उसके बाद में आप फॉर्म में आए। वो बोलते हैं ना कि फॉरवर में फॉर्म भरते हो तब आपका रजिस्ट्रेशन डेट नहीं होता, मेन है फॉरवर बिजनेस आपका तब स्टार्ट होता है जब रियल फॉर्म में आप आते हो। तो जॉब छोड़ी, उसके बाद में आपने डिसीजन लिया कि भाई आगे बढ़ना है, और आज आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो, और होपफुली 10 तारीख तक मैनेजर भी बन जाओगे। तो बढ़िया है।
है ना। सिस्टम तो देखो हम लोग सबको ही सेम, सबके पास में सेम सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम को जो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो सिस्टम में डाउट करेगा, जो खुद में बार बार सेल्फ डाउट करेगा, है ना, कंटेंट ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप, जो जो सेल्फ डाउट करते हाँ हैं ना मैम, उनको रिजल्ट भी फिर नहीं उनको नहीं मिलता आता, जो है। हाँ एक्टिविटी नहीं करते उनको रिजल्ट नहीं आता। जैसे माया है, माया आई, माया ने फोकस किया कि मुझे करना है, माया ने खुद आगे होके बोला कि भाई मुझे करना है। सिस्टम तो सबके पास में सेम है, लेकिन जो हाँ सोचता है कि मुझे करना है, जो बिलीव करता है और जैसे रोड मैप दिया जाता है उसको फॉलो जो करते हैं, वो इजीली कर पाते हैं। वरना बहुत लोग हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है चीजें करने में, है ना, इवन कुछ अपनी टीम खड़ी करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग कर पाए क्योंकि आप लोगों ने उन चीजों को फॉलो किया। तो जो लोग पूछते हैं ना कि मैम टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन करने के बाद में क्या 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, अगर आप उन एक्टिविटीज को करने लगोगे, उस प्रोसेस ओरिएंटेड वे में काम करोगे जैसा हम बता रहे हैं, रेगुलरली हमारे सेशंस अटेंड करोगे, जो बताया गया है वो फॉलो करोगे, तो इजीली होगा। तो सुजाता जी अब आप पे आते हैं, आपकी बारी है ना, आप वेट कर रहे होंगे कि कब मेरी बारी आएगी, मेरा टाइम ही नहीं आ पा रहा है, मेरा टर्न कब आएगा। तो सुजाता जी सबसे पहले तो एक बात बताइए कि अभी आपका बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है डिलीवरी डिलीवरी का, जैसे आप बता रहे थे 15th को आपका डिलीवरी डेट दिया हुआ है, पर अभी आपने लास्ट मंथ जब आपका बिल्कुल पीक टाइम था, 8th मंथ आपका चल रहा था, है ना, 8th मंथ, 9th मंथ, एट है ना, 8th मंथ, जो 8th मंथ अभी चल रहा था सितंबर में उस, नाइन। हाँ, तो अभी बिल्कुल पीक टाइम चल रहा था आपका, बिल्कुल 8th मंथ के अंदर आपने सुपरवाइजर लेवल का सोचा, सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया, और अभी भी आप फुल फोकस होके काम कर रहे हो, और अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, कुछ दिनों पहले भी बात हुई, तो आप यही बोल रहे थे मैम फॉरवर्ड तो करना है, अभी बस डिलीवरी के 15-20 दिन के बाद फिर से मैं एक्टिवली काम कर पाऊंगी क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है ना। तो क्या मोटिवेशन आ रहा है आपको अंदर से टीएलएफ को देखकर, फॉरवर्ड में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है, टीएलएफ में क्या बढ़िया लग रहा है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे हो, और इस टाइम पर जहाँ लेडीज बोलती है कि भाई एक बेबी है उसको ही नहीं संभाला जा रहा, फॉरवर्ड क्या करूं, आप एक छोटी बच्ची भी है आपके अभी न्यू बोर्न बेबी होने वाला है, इस टाइम पर भी आप काम कर रहे हो वो भी और डेडिकेशन से, तो इतना एनर्जी ला कहाँ से रहे हो, इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा ये बताओ। ये सब मोटिवेशन तो आपकी वजह से है मैम। इतने अच्छे मेंटर्स हैं और टीएलएफ के सब मेंटर्स अपलाइन बहुत अच्छे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि सभी को अभी जो हाउसवाइफ होती है उनको पता है कि मतलब फैमिली के साथ साथ मेरे ऑलरेडी एक छोटी बेटी है, तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये सिर्फ हमारे पे डिपेंड करते हैं, हम कैसे काम करते हैं और कैसे वर्क करना चाहिए। तो मतलब ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था नहीं सुपरवाइजर, क्योंकि वैसे जब भी हमें पता चल जाता है कि हमारी ड्यू डेट है तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, और ऐसा मतलब कुछ काम करने के लिए हमें बहुत कंटाड़ा आ जाता है, इन वैरायटी में बोलते हैं। तो फिर मतलब तो फिर मेरे साथ भी सेम वैसे हुआ था, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं कि मैं सुपरवाइजर वगैरह क्रैक करूंगी या फिर क्वालिफाई करूंगी। बट एक्चुअली हुआ क्या था, फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना फिर बाद में डिलीवरी के बाद फिर सुपरवाइजर का सोचने से अच्छा है कि उसके बाद गैप लेने से अच्छा है कि उससे पहले हम क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि 2 मंथ्स तो ऑलरेडी मेरे पास थे जब मैंने सोचा था। और फिर हुआ ऐसे कि सितंबर मंथ आया, तो फिर सॉरी अगस्त मंथ आया, अगस्त, अगस्त हाँ मंथ में हाँ, तो अगस्त मंथ में फिर स्टार्टिंग में एक्चुअली फर्स्ट वीक में मेरा मतलब कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं था कि सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। बट हुआ ऐसा था कि मेरा जो 3+1 जो एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है वो मेरा क्लियर हो गया था विद इन अ फर्स्ट वीक में। तो फिर मेरे अपलाइन में मेरे मेंटर्स ने फिर उनको ध्यान में गया कि मतलब इसका तो एक्टिव क्वालिफिकेशन तो हो गया है, तो फिर क्यों ना ये सुपरवाइजर के लिए ट्राई करे, क्योंकि इसके पास 2 मंथ्स तो ऑलरेडी है। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि क्यों ना फिर आप बाद में करने से अच्छा फिर अभी सोच लो, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा गैप ले लो या फिर आपके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो टीएलएफ का सिस्टम तो ऑलरेडी ऑटोमेशन में था, तो कोई लीड्स की वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और कंटेंट ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है तो कंटेंट बनाना मेरा स्टार्ट ही रहता था, तो फिर वहाँ से भी लीड्स वगैरह आती थी। और मेरे अपलायंस ने भी मुझे शुभम सर ने और तरुण सर से वगैरह भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी अच्छे से मतलब रोड मैप बताया कि आप 2 महीने का सोचते नहीं, 1 महीने में भी आप आपका क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर सकते हो सुपरवाइजर। तो फिर उनके हिसाब से फिर मैंने भी थोड़ा सा एक स्ट्रांग डिसीजन लिया, चलो एक्टिव क्वालिफाई तो हमारा 3+1 तो हो गया था, अब रह गई सिर्फ अपनी टीम में वर्क करना था। तो फिर एक स्ट्रांग डिसीजन लिया कि करना है तो अभी करना है, ये 2 मंथ में है, तो 2 मंथ का भी ना सोचते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो 1 मंथ में ही ट्राई कर लेते, जितना हो सके उतना 1 मंथ अभी अगस्त मंथ में कर लेंगे,
और सपोज रिमेनिंग रहा तो फिर सितंबर के जो स्टार्टिंग के एक दो वीक होते हैं 50 डेज में, उसमें हम क्वालिफाई कर देंगे करके। बट बोलते हैं ना, अगर कुछ चीज हम शिद्दत से चाहे तो कर लेते हैं करके, तो सेम वैसा ही हुआ। फिर मुझे अच्छे खासे लीड्स भी आने लगे, और कुछ पुराने लीड्स पे वगैरह भी थे, तो उस पर भी थोड़ा सा मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करते करते मेरा मतलब विद इन 27 अगस्त तक मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो गया था। और मेरे कुछ जो क्लोजिंग्स वगैरह नहीं हो पाती थी, कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं थोड़ा जिसे हम हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे प्रोस्पेक्ट्स से भी फिर बात हुई, हमारे अप्लायंस ने भी उनसे बात करके मतलब ऐसा थोड़ा सा क्लोजिंग करके फिर हमारी हेल्प करके मेरा सुपरवाइजर लेवल मेरे क्वालिफाई करने में मेरी हेल्प की। और कुछ मेरे कस्टमर्स भी थे जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स यूज करते थे, तो वो मतलब हमेशा हर मंथ मेरे से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेते थे। तो फिर मैंने उनसे भी थोड़ा सा बात की, उनसे कन्विंस की कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है सुपरवाइजर का, तो आप हमेशा हर मंथ लेने से अच्छा क्यों ना आप 2-3 प्रोडक्ट एक साथ ही ले लें, क्योंकि हर बार डिलीवरी चार्जेस लगता है ना। अगर मंथली आप कोई ना कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो डिलीवरी चार्जेस लगता है, तो उससे तो क्यों ना आप एक ही इसमें फिर 4-5 प्रोडक्ट ले लो, जाके आपके साल भर वो चलते रहें। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा समझ दिया मुझे कि, और उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा कन्विंस किए, तो उन्होंने भी प्रोडक्ट्स वगैरह लेके ऐसे मेरा सीसीज बढ़ते गए, और 27 डेट तक मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया था। और मेरी ये बिल्कुल बात हो बिल्कुल गई थी, अब 27 को मेरा क्वालिफाई तो हो गया था, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। बट एक्चुअली हुआ कि 28 को और जिससे ऑलरेडी बात हुई हुई थी, तो वो लोग भी दो लोग फिर ऐसे थे कि जो तुरंत स्टार्ट करने के लिए रेडी थे, तो उन्होंने डायरेक्ट 2 सीसी से स्टार्ट कर लिया था। और मेरा ऐसा करते 25 की रिक्वायर्ड थी और 29 सीसी हो गया था मेरा बहुत बढ़िया एट बहुत दी एंड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हमारा यहाँ पे क्या रोल रहा, मतलब आपके इस लेवल को अचीव करने में? मतलब ऐसे तो टीम में, टीरएफ क्रिएटर में बहुत सारे आ, आ, क्रिएटर्स हैं, लेकिन हम में ऐसी क्या यूनिक स्किल लगी थी आपको जो आपने हम लोग को ज्वाइन किया था? जब आपने फॉरवर्ड की जर्नी स्टार्ट करी तो आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, तो आपने मुझ में ऐसा क्या देखा है ना कि आपने सोचा कि चंचल को ज्वाइन करते हैं? जी एक्चुअली वैसे तो बहुत सारे क्रिएटर थे, सबसे कनेक्टेड थे, बट वो बोलते हैं ना लेडीज टू लेडीज थोड़ा सा कनेक्टेड होता है, तो उसी टाइप से मतलब मैं भी आपसे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाई थी। और मैंने आपको डायरेक्ट भी नहीं किया था, मैंने भी कुछ टाइम लिया था, 4-5 दिन लिया था, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम मतलब पहले देख लिया था। तरुण सर के जो वेबिनार्स वगैरह होते हैं, जो पेड वेबिनार्स, वो भी मैंने अटेंड किया था। उसके बाद पूरा समझ के फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया था, और हमारी कुछ देर बात भी हुई थी कि कैसे सिस्टम होता है क्या। फिर वो थोड़ा सा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आ गया था हमें, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ये मैम से ही कनेक्ट करते हैं और इनसे ही ज्वाइन करते हैं। तो फिर वो भी एक अच्छा था, और आपको का गाइडलाइन भी था, तो फिर आप गाइड भी प्रॉपर करते थे। कि मैं भी ऑब्वियसली पहले पुराने टीम में थी, तो वहाँ पे सेम मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता था, बट तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे नहीं कनेक्ट होता है तो उससे ऊपर अपलाइन से, अपलाइन मतलब जितने भी अपलाइन और डाउनलाइन हम किसी से भी बात कर सकते हैं, क्रॉस लाइन लोग, तो कोई इशू नहीं है। कभी मतलब चंचल मैम अवेलेबल नहीं रहती तो हम शुभम सर से भी बात कर सकते हैं, या फिर उनके से, तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। कोई भी हमें मतलब गाइड करता है, अच्छा खासा रोड मैप देता है, तो उसी के वजह से ये सब क्वालिफाई हो पाया। नहीं तो फिर मतलब मैंने तो सोच ही लिया था कि इस साल तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सो बट अच्छा हो गया। और मैं अभी थैंकफुल हूँ कि प्रॉपरली जो मैंने सोचा था कि मतलब ड्यू डेट के पहले हो जाएगा, तो जैसा प्लान किया था उसके हिसाब से वो क्लियर हो गया, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया बढ़िया। तो शिखा जी, इससे पहले कि हम इस कॉलेब को वाइंड अप करें, थोड़ा सा अपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो, क्योंकि अभी हमने एक और मीटिंग लाइंड अप की हुई है, तो हमें उसमें भी मूव ऑन करना है। तो थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए, है ना, मैम मुझे दो तो तीन एएम बन लाइन के में। बहुत खुशी हो रही है, और एएम मैं अकेले नहीं बनी हूँ, टीम में सुपरवाइजर्स बने हैं, फिर एएम बनी, और अभी एएम पे रुकना नहीं है। नेक्स्ट मंथ 10 तारीख तक मैनेजर निकालना है, और उसके बाद जो भी अचीवमेंट है आगे की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत है, मेरा कार प्लान, तो जब उसकी ट्रॉफी मेरे पास होगी ना, शायद उस दिन मुझे एक्चुअल खुशी मिलेगी कि जो सोच के रखा था, जो कि बहुत हार्डेस्ट लेवल है कार प्लान निकालना, जिस दिन वो निकाल लूंगी उस दिन शायद मुझे और ज्यादा खुशी होगी। बट नो डाउट एएम वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत अमेजिंग है। मैनेजर वाली फीलिंग भी आने लगी अभी से, क्योंकि पता है कि बन जाऊंगी। वो चीज जो कहते हैं ना, पॉजिटिव एफर्मेशन से, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, और इतनी अच्छी टीम में रहना, इतना अच्छा रोड मैप मिला है अपलाइन से, पूरा कैलकुलेटिव, एक जो पूरी कैलकुलेशन मिलती है ना, वो ऑलरेडी मिल चुका है, एक हमारी मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी,
तो वो सारा कुछ फिक्स है कि कहते हैं ना कि हम होप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने एक प्रेडिक्ट कैलकुलेशन कर लिए कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हमें डेफिनेटली वही रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमें पता है, आपसे 1 महीने पहले भी हमें ये पता था कि हम इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली यही रिजल्ट मिलने वाला है, और वो देखो मिला भी। और कल भी जो हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी हमने कैलकुलेशन की थी, उसको प्रेडिक्ट किया था कि इसी रोड मैप पर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें यही रिजल्ट मिलेगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो मैनेजर भी अचीव कर लूंगी और उसके बाद आगे की और भी अचीवमेंट्स पे काम करना है, टीम पे काम करना है, क्योंकि जो फॉरएवर में बोला जाता है कि मार्केटिंग प्लान है कि टीम को लेकर के चलना, और कोई भी हम लेवल अकेले नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ एक सुपरवाइजर लेवल है जिसको बोलते हैं कि सबसे हार्ड लेवल है, क्योंकि वो एज के बाद आपको खुद से अकेले निकालना होता है, उस टाइम आपकी टीम नहीं बनी होती है। लेकिन सुपरवाइजर बनने के बाद आपके पास टीम होती है, आप एएम निकालते हो, टीम के साथ में मैनेजर निकालते हो, तो ऐसे ही सारे लेवल निकालेंगे। और कोशिश है साल के आखिरी तक सीनियर मैनेजर बन के रहूं, निकालू डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स खड़े करूं 1 साल के आखिरी तक, ये मेरा टारगेट है। बाकी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। बाकी टीम का सपोर्ट और जो सिस्टम का सपोर्ट है वो तो अमेजिंग है ही, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी थी मई में जॉब छोड़ी थी, फिर जून जुलाई अगस्त, और आज एएम हूँ। तो अगर देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। माया ने जैसे 42 में 20 जुलाई को इसने ज्वाइन किया था, अब 20 जुलाई से आज अगस्त का एंड में उसने अपना सुपरवाइजर लेवल निकाल लिया। तो देखा जाए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए फायर कि मुझे ये लेवल अचीव करना है। तो बस यही है मैम कि टीम में अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे से काम हो रहा है, जिनको काम करना है वो अच्छे से कर पा रहे हैं, माया उसका जीता जागता एग्जाम्पल भी है। तो आइए टीम में, वेलकम है, क्योंकि कम्युनिटी है, एक नहीं पांच पांच छह छह अपलाइन है, पूरी अपलाइन, मतलब अगर आपको करना है तो अपलाइन सारे के सारे रोड मैप प्रॉपर दे रहे हैं, मुझे भी मिला है। आगे मैनेजर लेवल और भी लेवल निकालने हैं, साल के आखिरी खत्म होते तक मेरा टारगेट है कि 2 मैनेजर अपने फ्रंट लाइन में खड़े करूं, और मैं खुद सीनियर मैनेजर पे साल को खत्म करना चाहती हूँ कि न्यू ईयर मनाऊं तो एक सीनियर मैनेजर के लेवल पे मनाऊं। तो टारगेट अभी यही है, और बाकी देखते हैं, टीम का सपोर्ट तो है ही, और ये मेरा अभी तक का है कि 4 महीने ही देखा जाए तो मैंने 4 महीने ही फोकस के साथ काम किया है, और मई जून जुलाई अगस्त, तो अभी एएम बन गई हूँ। बाकी का आगे नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करते रहेंगे कि जो भी बिल्कुल हमारी बिल्कुल अचीवमेंट्स आ रही है, हमारी टीम की अचीवमेंट्स आ रही है, चैनल पर आप लोग देखते रहेंगे, वीडियोस के थ्रू आपको सारी हमारी अचीवमेंट्स पता चलती रहेंगी। बढ़िया। सो अभी ये है नारी शक्ति, है ना? तो आप जिन जिसकी जिसके भी साथ आपकी वाइब मैच हो रही है उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। सबके यूट्यूब चैनल लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगी। बाकी कुछ नए अचीवर्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।